गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टू ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कपड़ा जैसा कि मैंने इसके पहले ब्लॉग में बताया था, कपड़ा बहुत सारा था, मैंने तय वगैरह लगा दिया है। और इसी पे बेडशीट ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बेडशीट वगैरह सभी इसे ही बिछा देंगे। कंबल भी धुला गया था, तो अभी इतना ज़्यादा हम थक गए हैं कि ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर मेरा आज ये रिपोर्ट आया है थायराइड का और हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन मेरा इतना कम है दिन, मतलब कि पता नहीं क्यों बढ़ ही नहीं रहा है। हीमोग्लोबिन कम ही कम है, बहुत ही कम है, मैं आपको बता नहीं सकती। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इतना कम हो है कि फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया, फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों से पूछा भी, तो बहुत सारे लोग बोले कि प्रेगनेंसी में कितना भी तुम मतलब खाओ पियो केयर करो, हीमोग्लोबिन कम हो ही जाता है। पर मेरा इतना ज़्यादा कम हो जाता है तो मेरे को ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ये अभी रिपोर्ट ये लेकर आए हैं। ध्यान तो देना ही पड़ेगा, पर पता नहीं क्या हो गया, मतलब कि जब से मेरा 7वां महीना लगा है ना, तब से मेरे यहाँ पे गले से लेकर के सीने तक इतना ज़्यादा जलन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है। तो जलन होने की वजह से फिर मैंने मैम को मैसेज किया, मैम कौन सा दवा खाएं, मतलब कि मेरे गले और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब जलन होता है। तो मैम ने लिखा है दवा, तो अभी वही लेने गए हैं पतिदेव नीचे, दवा लेने मेडिसिन लेने गए हैं। तो यही सब हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्या बताएं। इतना ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ समय पे मुझे दिक्कत होता रहता है, कभी ये रिपोर्ट कभी वो रिपोर्ट, कभी कोई चीज़ नॉर्मल आ जाता है, कोई चीज़ कभी वो हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती रहती हैं और उसका मैं सामना भी करती रहती हूँ। तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा हीमोग्लोबिन के लिए। तो आप लोगों ने देखा था ना, ये वाला सामान देखा था, बट ये वाला सामान नहीं देखा था। तो इसमें है और सारे सामान, अभी ऐसे कितने कितने लगेंगे आराम से, इसमें कांच का भी है। थक गए होंगे ना, एक मिनट के लिए आराम नहीं किए, एक दिन छुट्टी भी रहता है तो भी रेस्ट नहीं मिलता है ज़िंदगी में, बहुत सारे संग। हाँ, अब तो सारा रूम फैलेगा ही, अब धीरे धीरे सा इसको ऐसे लगा दो उसमें ही, देखो वो चीज़ है, ध्यान देना, कांच का ऊपर ही था मेरा। ला दो, गला बहुत जल रहा है, लाए बताएं कैसे खाना है मुझे तो। दो अरे इसमें दो दवा है, अच्छा एक वो वाला है, अच्छा मेरा एक ना एक और मेडिसिन था जो कि मिला था। ये गाइस देखिए, जब प्रेगनेंसी में गला जले ना तो ये चीज खाना चाहिए। ये मैम ने पैन 40 लिखा था, मैं बोली ये क्या होता है, तब इन्हें बोले दवाई होगा और क्या होगा, तो ये दवा और ये दवा भी खाना है। कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, तो पता नहीं कहाँ से इतना दिक्कत हमको सहना पड़ रहा है। ये देखो ये सारा सामान, और कुछ अभी सब सामान सेट करना है उसका, चलो ठीक है थोड़ा सा रेस्ट कर लो पहले। और गाइस आप सबको पता है मुझे हीमोग्लोबिन की कमी के साथ साथ थायराइड भी हो गया है, मतलब कि एक चीज़ सही नहीं हो रहा है कि दूसरा चीज़ मुझे हो जा रहा है। तभी मैं सोच रही थी यार कि मेरा वेट इतना क्यों बढ़ रहा है, मेरे शरीर इतने क्यों फूल रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ वैसा चीज़ तो खाती नहीं थी कि जिससे हमारा वेट ज़्यादा बढ़े। पर सब लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जब भी जाते हैं, जब डॉक्टर के पास वेट अपना करते हैं, तो देखते हैं कि 1 किलो 2 किलो ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो इसीलिए मुझे मेरा चेकअप हुआ, तो मुझे थायराइड भी है, बताओ सब चिंता ही चिंता वाली बात। टेंशन तो हो ही जाता है ना, जो कुछ अगर कुछ होता है तो। और यहाँ पे सारा दुख औरतें सहती हैं, सही कह रहे हैं, जितनी भी औरतें हैं सब औरतें समझ सकती हैं कि सारा दुख औरतें ही समझ सकती हैं। तो अभी मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बज रहे हैं 11:30 होने वाले हैं। और उधर सारा देखिए कार्टून का सारा सामान वगैरह उधर रखा गया है। हाँ सोनाक्षी, थायराइड है, क्या कर सकते हैं, तो दवा चलेगा, दवा खाएंगे, इतने दिन से 7 महीने से दवा खा रहे हैं, तो अभी भी खाएंगे दवा, दवा पे ही टिके हैं।
चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ठंड बहुत ज़्यादा आज लग रहा है, आज थोड़ा सुबह उठे तो पता चल रहा है कि हाँ ठंड है, क्योंकि अब नवंबर का महीना आ गया है तो ठंड तो जाहिर सी बात है आने को। और यहाँ पे सारा जीना वगैरह साफ कर रहे हैं। ये ईख नौजदीन चढ़ा है, कोई किसी को दे दीजिए या फिर आप ख़त्म कर दीजिए जो ईख है ईख को। एक ईख तो खत्म हो गया, एक ही रह गया है। हाँ वो दो है, एक पीछे रखा है इसे। कहाँ पीछे रखा है? अरे एक ही है। दो है यार, एक ही है यार। अरे इसके पीछे एक वो क्या खड़ा है ये? हाँ ये तो बास है। कैसा बास? ये सब्जी खाली है क्या बना? वो दिन खाए तो ये खाए थे। हाँ चू रहे थे। हाँ तो ये भी चुरा ले हम लोग, थोड़ी चू। मैं तो बड़ा दांतों दर्द करने लगता है, मैं भी नहीं चू पा रही हूँ। मेरे को भी नीचे नहीं आता है वो, जिया जी कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। और बहुत घर पे होता ना तो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई पिछले साल भी कोई नहीं चू रहा था। टाइम है हमारे पास चूने का? टाइम की बात नहीं है, हमको आता भी, मतलब कि हम नहीं चू पाते हैं उसको, जो वो रहता है ना वो धस जाता है दांतों के बीच में, इसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। और पानी गर्म करने के लिए लगा रखे हैं तो गर्म हो जाता है, तो सोच रहे हैं नहा धो ले और थोड़ा हेयर वॉश करना है। आज हम लोग को कहीं जाना भी है तो हम सुबह, इसलिए सुबह सुबह उठना पड़ा है ठंडी के समय में। ठंडी के समय में ना क्या होता है कि अगर कहीं जाना हो सुबह सुबह उठो ना तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा क्यों करना है? गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल से काम, प्यार से काम, सब कुछ अच्छे से काम करना है। तो फिर मेरे को ना बहुत सारे ड्रेस, मैंने बहुत कल नापे, मुझे एक भी ड्रेस नहीं आ रहा था, तो ये वाला ब्लैक वाला जो था यही थोड़ा बहुत आ रहा था, तो मैं सोची यही पहन के चलती हूँ, क्योंकि कोई ड्रेस मुझे हो ही नहीं रहा है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मार्केट इसलिए जानते देख रहे हैं, यही सब, ये वाला, ये सब, यही सब, ये सब फिटिंग नहीं कराए थे, यही पहन कर जाते हैं, यही ये एक वो मार्केट में जाना होता है। कल ही तो गए हैं, 6-7 महीना बाद तो कल गए हैं, तो जो पहने थे वही फिर पहन के चले जाते हैं, क्या करें। अब शॉपिंग करने का उतना टाइम भी नहीं है ना कि चले हम कपड़े खरीदें और वो चीज़ करें, तो हम चलते देखते पानी गर्म हो जाता है तो फिर हम नहाते हैं। आज 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 जो हमारा प्री बेबी शूट है तो आज हम निकल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन एक दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारा थायराइड पता नहीं कहाँ से बढ़ गया और हीमोग्लोबिन बहुत कम है, बहुत ही कम है, थायराइड भी बढ़ गया, उसका दवा चलेगा। सुबह सुबह मेडिकल भी ख़त्म, मतलब मेडिकल बंद है तो फिर मेडिसिन भी ख़रीदना पड़ेगा। मैम दी हैं दवा खाने के लिए कि आपको इसको दवा चलाना पड़ेगा, खाइए। और मेरा वेट इतना तेज बढ़ रहा था, मुझे चिंता हो ही रही थी, लेकिन क्या करें, हो जाता है, जो होना होता है वो हो जाता है। तो हम चलते हैं नहा धोकर के, तैयार होकर के फिर आप लोगों से मिलेंगे। पूजा पाठ भी कर ली, मंदिर में दिया भी जल गया, और मैं थोड़ा बहुत अपना मेकअप का सामान अपना खुद ले जा रही हूँ, क्या पता मुझे वहाँ यूज करना पड़ जाए। भले ही वहाँ पे मेकअप करने वाली रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि खुद से मैं अपना थोड़ा बहुत सामान ले चलूँ, तो कुछ ज़रूरत भी पड़ सकती है, मैंने इतना रख लिया है। और इनको चलते हुए मैं चाय देती हूँ और मैं खुद भी थोड़ा बहुत खा पी के चलती हूँ। ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, तो वीडियो यहीं तक है मेरी। हाँ वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं कल आप लोगों के, लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। एक लिपस्टिक और देना है तो अगर वो तो बाय बाय।